ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है कि मूवी देखने लायक नहीं है। फिल्म की बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तापसी पन्नू की हसीन दिलरुबा, एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है और यह मूवी आपको हिंदी के साथ साथ तेलुगु और तमिल में भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि मूवी के बारे में और क्या अच्छा है क्या बुरा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। टोटल 2 घंटे और 15 मिनट की मूवी है और ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। स्टोरी की बात करें तो एक इंजीनियर है सिंपल सा, और उसकी शादी हो जाती है एक लड़की से, लेकिन वो लड़की थोड़ी सी बोल्ड टाइप है। फिर कुछ समय बाद उसके घर में एक मर्डर हो जाता है। अब किसने मर्डर किया है, क्यों किया है, क्या मर्डर ही था या फिर वो एक नेचुरल डेथ थी, उसके बारे में पूरी मूवी है। तो ये जानने के लिए मूवी को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। मूवी की पॉजिटिव पॉइंट की बात करो दोस्तों तो इसका स्क्रीन बहुत अच्छा है, इसका जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी अच्छा है, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने इस मूवी को रखा गया है। लेकिन मूवी की जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल अलग नहीं है। इस तरह की स्टोरी हमने आगे भी कई मूवी में देखी हुई है, तो स्टोरी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, स्क्रीन पे अच्छा है, टाइट है, आपको ये बोर नहीं करेगा, स्टार्ट टू एंड आपको ये बांधे रखेगा। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पे आपको कॉमेडी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, हल्की फुल्की कॉमेडी है। और इसकी जो स्टोरी है वो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि स्क्रीन प्ले की वजह से मूवी में आप बोर नहीं होते हैं, इसलिए फर्स्ट हाफ देखने का एक मज़ा अलग होने वाला है। तापसी पन्नू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, थप्पड़ के बाद यहाँ पे तापसी ने बेस्ट देने की कोशिश की है और उसकी जो मेहनत है वो यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। तापसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। हर्षवर्धन राणे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं कुछ ना कुछ अलग होता है। और हर्षवर्धन राणे का रोल छोटा है लेकिन जितना भी रोल है बहुत अच्छे से किया है। उसके बाद विक्रांत मेसी, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। ओवरऑल तीनों एक्टर की बात करूँ, तापसी, हर्षवर्धन और विक्रांत, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है इस फिल्म में। इस फिल्म का अगर कोई प्लस पॉइंट है तो वो तीनों की परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी है। पूरी फिल्म में एक सस्पेंस बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिल्म दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फर्स्ट हाफ में तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन क्लाइमेक्स की ओर जैसे आती है फिल्म, क्लाइमेक्स के नज़दीक आती है, वैसे फिल्म पटरी से उतरने लगती है। और इसका जो क्लाइमेक्स है वो शायद आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स थोड़ा सा मुझे वीक लगा है। अगर आप स्पेशल मिस्ट्री टाइप की फिल्में देखते हैं, थ्रिलर फिल्में देखते हैं, तो 100% आपको ये क्लाइमेक्स पसंद नहीं आएगा। ओवरऑल बात करूँ दोस्तों तो ये फिल्म आप एक बार देख सकते हैं, आपको बोर नहीं करेगी। तो फिल्म को मैं देने वाला हूँ 2.5 out of 5। आपने देख लिया तो मुझे बता दीजिए आपको कैसी लगी, और नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसको एक बार देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।